तो भाई पहुंच गए उन बंदों की जगह पे और कर देते हैं रेड। भाई सब गुत्ता मार के जाना पड़ेगा पहले, है कोई है नहीं क्या? अरे है तो आ जा बेटा आ जा। इनके लिए तो तुम्हारे भाई अकेला ही काफी है, नहीं जा रहे तो बिल्कुल जानवानी ना इनमें। अरे मैया री कहते ही आ गया सामने, आ जा आ जाते भल्ला बनम्मा। दो गए भाई साहब, दो, एक तो गया खत्म, एक तो। ये देखो भाई इसके अंदर क्या है, जो नया वाला तवा है ना, इसके अंदर जैसे मान लो किसने मारा मेरे में और मैंने तवा हटा दिया सामने, तो भाई क्या होगा वहाँ पे सारे में झाया झाया फैल जाएगा, जो भी उसके आसपास आएगा वो क्या कहते हैं उसे झाया चढ़ जाएगा धीरे धीरे करके, उसकी हेल्थ कम होने लग जाएगी और ढंग से लड़ भी नहीं पाने का। देखो जैसे अभी हुआ था ये देखो, ये वो भी जहर नहीं फैल रहा, वो मतलब जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर डाल रहे ना, तो भाई जहर फैल जाए एकदम उसका, वो ना ढंग से लड़ पाने का भाई ना कुछ कर पाने का, और हेल्थ वैसे उसकी एकदम ख़त्म हो जाएगी। ये देखो ऐसा, तो भाई अभी हमारी एक कोई सोमा सोमा है उससे बात हुई है, वो ऐसे है जैसे कि हमारे यहाँ पे ईवर है, वो अपने क्लाइंट की इस तरह से बॉस है उसी शहर की जिसका नाम है जी से, वो दो नाम मान लेते हैं हम थोड़ा आसान करने के लिए गुड़गांव, ठीक है। वो मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उसका नाम क्या है, बड़ा ये मुश्किल और अजीब नाम है, स्पेलिंग ही नहीं पढ़ सकता मैं उसकी। खैर तो गुड़गांव की वो बॉस है और उसके शहर पे हमें जैसे कि पता था कि हमला हुआ है बहुत ख़तरनाक वाला, और जो ऑर्डर ऑफ इंसिडेंट्स वाले हैं उनका उसके अंदर हाथ है। तो उसने हमें बताया कि उसके इनर सर्कल के मतलब जो उसके बिल्कुल क्लोज मंत्रिमंडल वाले लोग थे, वो उनमें से तीन लोग गायब हैं और वो हो सकता है कि उनके हाथ लग गए हों जिन्होंने हमला करा था। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा खतरा है इनके राज्य को, इनकी प्राइवेसी को, और मतलब इन पे और हमला हो सकता है अगर उन्होंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में लीक कर दी। मुझे काफ़ी सारे सैनिक पड़े थे यार वहाँ पे, काफ़ी ख़राब हालत में, बिल्कुल मरने हालत में हो रहे थे वो, लेकिन अभी ये उन्हें थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर रहे हैं। मतलब वो क्या था, जो जिस बंदे ने हमला कराया ना इनके शहर पर, वो पहले इन्हीं का साथी था, इन्हीं के यहाँ पे रहता था वो, लेकिन उसकी कुछ बात बात होगी इनसे, लड़ाई वड़ाई होगी, तो जैसे वो बंदा नहीं था जिसने हमारे पे 17 साल पहले हमला करा था, बिल्कुल भाई सेम तरह से वो था, उसने भी वो भी मतलब हमारा साथी था पहले, लेकिन उसने क्या है ओथ ब्रेक करी थी अपनी, मतलब अपना वचन तोड़ा था हमारे क्लैन का साथ देने वाला वचन। तो उसी तरह से जिस बंदे ने इनके ऊपर हमला करा उसका भी भाई सेम ही केस है, उसने भाई ओथ ब्रेक करी है अपनी, इनका साथी था भाई, इनके क्लैन में रहता था, लेकिन भाई वो इन्हें छोड़ के चला गया, फिर उसने कहीं से बाहर का सपोर्ट लिया। इसे ऐसा भी लगता है कि कुछ अंदर के भी बंदे हैं जो इनके काफ़ी सारी सूचनाएं उस तक पहुंचा रहे हैं जिस कारण वो इतनी आसानी से हमला कर पा रहा है। खैर अंदर के क्या मतलब कौन से बंदे हैं और बाहर से उसे कितना सपोर्ट मिल रहा है ये सब तो खैर बाद में देखने की बात है, अभी तो मेन उन तीन लोगों को ढूंढना जरूरी है और उस बंदे को जिसने उनके ऊपर हमला करा था, लेकिन उससे पहले उन तीन लोगों को ढूंढना जरूरी है, नहीं तो अगर उस बंदे ने ढूंढ लिया ना उन तीनों को जिसने इनके ऊपर हमला करा था तो भाई टेंशन हो जाएगी। तो इसलिए अभी हम लाइट हाउस पे आए हुए हैं, यहाँ से हम आग जला के, पहले लकड़ी वाले लाइट हाउस होते थे ऐसे लकड़ी जला के और एक लेंस से फोकस करके उसकी लाइट को समुद्र पे डाल जाता है जिससे कि रास्ता पता लग जाए, तो वो एक तरह का सिग्नल होगा उनके लिए, तो उन्हें पता लग जाए कि हाँ वो यहाँ पे हैं हमारे बंदे। तो जो तीन वो हैं ना, अगर वो उनके हाथ ना लगे होंगे क्योंकि वो अभी मिसिंग है, तो वो हमें मिल जाएंगे आराम से। और भाई उसने ये भी कहा था कि अगर हमने उन्हें ढूंढ दिया ना बंदों को, तीन बंदों को, तो ये हमारे साथ अलायंस बना लेगी और हमारे साथ दोस्ती कर लेगी, ये भी ऑर्डर ऑफ द एंशियंट्स के ख़िलाफ़ है। चलो यार इसके सोमा के एडवाइजर्स की हमें लोकेशन मतलब लास्ट नोन लोकेशन पता चली है, तो वहाँ पर चल के देखते हैं क्या सीन है। तो भाई यार हम उनके इलाके में पहुँच तो गए, लेकिन रुक जा आ जा बेटा आ जा। यहाँ पे उन्होंने भाई पकड़ रखा है उन्हें तीन बंदों को, लेकिन कोई बात नहीं देख लेंगे इन्हें भी, एक इधर है आ जा। ये रहा इसका वॉरियर भाई साहब, इसे रेस्क्यू करा लेते हैं। तो भाई यार यहाँ पे बंदे थे काफ़ी सारे, नहीं यहाँ तक भेड़िए हैं, अरे नहीं भाई साहब शेर हैं यहाँ तो, आ जाओ भाई साहब शेर हैं यहाँ पे यार, काफ़ी ख़तरनाक हुए हैं वाइट वाइल लोयन और भेड़िए हैं। अच्छा भाई साहब यहाँ पे पड़ा था ये टावर पे भाई साहब बांध के रखा हुआ इसे, इसे एक काम करूँ खास में खींच लूँ, ख़त्म अब इसे ले जाऊँ।
आजा बेटा आजा आजा, चल घास में। ये गया यहाँ पे, जहाँ तक है तीन बंदों से लड़ाई होएगी होएगी। चल तेरी, और ये गया, आ जाओ। यो हाँ चल चल, फाइनली आए इनके बंदे मिल गए। भाई साहब को निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? वह मतलब खिवाड़ खुल गया, सब सही है, फिर बैठा आराम से निमंत्रण का इंतजार कर रहा। तो भाई यार हमने उन सारे बंदों को बचा लिया था, फिर हम आ गए थे सो भाई कैंप पे। फिर इसने कहा था कि फिर मतलब ये बात से चिंतित थी कि इसने जो भी मिस स्टेप्स लिए, जो भी गलत कुछ तो गलत स्टेप लिए ही होंगे जिनकी वजह से मतलब, या फिर कुछ कमी रही होगी इसकी तरफ से जिनकी वजह से हारे, उनकी काफ़ी तकड़ी वाली हार हुई और इन तीन बंदों का जिंदगी भी खतरे पड़ी। ये तीन इसके मंत्री थे और इसका पूरा क्लैन भी बिल्कुल ख़त्म होने को तैयार था, सिटी तो भाई इनके इनके हाथ से। तो इसे ये लग रहा था कि कहीं इसके मिस स्टेप्स की वजह से इसे ब्लेम ना करें वो लोग, इससे बुरा ना माने, तो ये इस बात से चिंतित थी। तो भाई हमने फिर मतलब इवन ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो वो ग्रेटफुल होंगे तुम्हारे लिए कि तुमने उनकी ज़िंदगी बचाई। भाई हमने ढूंढने डाँढने गए, उन्हें बचाया, इस चीज़ के लिए वो ग्रेटफुल होंगे। तो भाई इवा की बात मान के उसने वो मतलब उनसे बात करने गई और इन्होंने कहा कि भाई अब कुछ भी हो जाए, अब हम अपना शहर वापस ले कर आएंगे और कल सुबह हम हमला करेंगे उन पर, सुबह हो गई है अब, और भाई चलते हैं हमला करने। और जैसे ही शहर वापस मिल जाएगा सोभा को, भाई हमारी अलायंस पक्की हो जाएगी सोभा के साथ में, क्योंकि भाई शहर के बिना तो ये भी कुछ नहीं है ना। तो भाई ये डैक्स कुछ ज़्यादा ही मतलब अजीब सा बिहेव कर रहा है। जब सीगर्ड गया था तो भाई इसने डैक्स से कही थी कि तुम एवर के अंडर काम करोगे, जो भी इसके ऑर्डर होंगे तुम उनका पालन करोगे। तो भाई उस टाइम ये कह था कि मैं तो भाई किसी के ऑर्डर का पालन नहीं करता, और तेरे ऑर्डर का मतलब सीगर्ड के ऑर्डर का पालन मैं क्यों करूँ। डैक्स कह रहा था, डैक्स मतलब वो बंदा है, ये एक तरह से अपना सेनापति मान लो। और उसके बाद में फिर अब ये कह रहा था, जैसे हमने कहा ना कि भाई हम मिल के लड़ेंगे और तेरा शहर वापस लेंगे सोमा से कहा, तो भाई ये कह रहा था कि मैं तो बस सीगर्ड के लिए लड़ता हूँ और तुम मतलब किसी और के लिए लड़ने वाला मैं। तो इवा ने कहा कि नहीं, तू सीगर्ड ने कहा है कि तू मेरे लिए लड़ेगा और मैं सोमा की लॉयल्टी के लिए लड़ रहा हूँ, तो इसलिए लड़ना पड़ेगा तुझे मेरे लिए भी। अब हम जाने वाले हैं सोमा के वेस्टर्न गेट्स की तरफ, सोमा के शहर के। तो भैया अभी ये जो सोमा है ये बात कर रही थी अपने लोगों से और ये कह रही थी कि पहले तो ये जाएगी उनके पास शांति का प्रस्ताव लेके और कहेगी कि भाई तुम आराम से चले जाओ यहाँ से, हमारी जगह छोड़ के, ये हमारा इलाका है। लेकिन इसे पता है कि भाई कन्वर्सेशन ज़्यादा लंबी चलने वाली और वो इस पर हमला करने की कोशिश करेंगे। इसने कहा जैसे ही सिग्नल मिले हमला कर देना उन पर ख़तरनाक वाला। तो भाई यार अभी इसने सोमा ने बात कही थी इससे जो यहाँ का राजा है, और भाई इसने तो कही थी कि मैं तुम्हें मतलब बकस दूंगी, तुम अपना ये शहर छोड़ के चले जाओ। लेकिन भाई वो नहीं मानना, उसने कही मैं तो यहाँ राज करने के लिए आया हूँ, और हमने क्या है इनका जो गेट था ना बड़ा वाला, इस पे ये लगा दिए, क्या होगा जैसे ही मैं तीर मारूंगा ना तो भाई इनमें ब्लास्ट हो जाएगा और भाई इनका गेट उड़ जाएगा और फिर हमला शुरू। और ये भाई उड़ गया गेट, और भाई साहब दोनों सेनाएं आ गई पूरी ताकत से लड़ने इनसे। यो भाई साहब यहाँ तो जहर ही फैला दे खतरनाक वाला। भाई साहब क्या तकड़ा वाला उड़ के मारा है, इसे रिवाइव कर दें पहले। और भाई सामने वाला इलाका जो है उसे हमें कॉन्कर करना है। जो रुक जाओ, ये तो कूदिया पल्ली माई, खैर कोई नहीं, जो उल्ली माई उन्हें देख लेंगे, आ जा। तो भाई इस घर से के अंदर है विगमैन, मतलब विगमैन वो बंदा है जिससे अपनी मेन लड़ाई है, जिसने इसके इलाके पे कब्जा करा था। अरे भाई ये तो साले क्या अंडरटेकर को ले आए क्या? अरे भाई अरे अरे भैया घर ही बुरा फेंका इन्हें तो, आ जा अंडरटेकर, हम हैं द ग्रेट कली। अरे भाई गंदा फेंका है इसने तो। ओए मारी मतलब कुछ फेंके मतलब फेंके होता। अरे तेरी साले अंडरटेकर, जॉन सीना हूँ मैं, यू कांट सी मी, अंडरटेकर में बह दिया। हमने तो पहले ही कही थी यू कांट सी मी। भाई साहब कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं था। तो भाई यार हम जीत गए वो वाली जगह जहाँ से मतलब इसे सोमा को जहाँ से हटाया था उन्होंने, और इस कारण इनके क्लैन में काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और सोमा ने हमारे से कही है, मतलब वो जो बंदा था ना जिसने सोमा को हटाया था वो तो भाग गया, लेकिन हमने कही थी कि उसे ढूंढ के ले आते हैं, पकड़ लेते हैं उसे,
लेकिन भाई सोमा ने कही कि कोई नहीं रहने दो, अभी हम अपनी जीत को एंजॉय करते हैं। और सोमा ने हमारे से हॉर्न बजाने के लिए कहा है, ये मतलब इस तरह से है जैसे कोई मतलब बहुत बड़ा इंसान होता है ना, एक तरह से राजा के बराबर ही मान लो। उसने हमें पोजीशन दी है क्योंकि भाई हमने इसे जिताने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी है, इसे वापस इसकी जगह दिलवाने में, और इस कारण इसने हमें ये दिया है। और भाई अलायंस तो हमारा बन ही गया एक नया। और इस हॉर्न यहाँ पे ऐसा होता है जिससे हमारे यहाँ शंख नहीं बजाते थे महाभारत वगैरह में, इस तरह से होता था यहाँ पे हॉर्न। भाई सब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बेस है इसकी आवाज़ में। बस हो गया, मैंने सोचा बजना शुरू हुआ, जयशंकर नहीं होता था मतलब, इतना तकड़ी आवाज़ होती थी कि पूरे कुरुक्षेत्र जैसी जगह में बहुत तेज आवाज़ आती थी इसकी, तो हल्की थी आवाज़। तो भाई यार अभी सोमा से हमारी बात हुई है और उसने बताया कि जो टनल है ना, इसे चार बंदों ने मिलकर खोदा था। एक तो थी खुद सोमा, और तीन बंदे थे वो जिन्हें हमने कल बचाया था, रेस्क्यू किया था वहाँ से। और उसने बताया कि उसे मतलब ऐसा लगता है कि एकदम से सारे बंदे ना, जितने भी उनके सैनिक थे दूसरे वालों के, वो इस टनल के अंदर से आए थे। और इस टनल के बारे में ना मतलब बिल्कुल सीक्रेट टनल थी, तो इसके बारे में किसी को पूरे शहर में पता भी नहीं था। इन चार बंदों ने मिलके सीक्रेटली इसे खोदा था। तो भाई उसे लगता है कि ये जो काम है ना, उन तीन बंदों में से किसी ने करवाया है, इन पर जो हमला हुआ है। नहीं तो यार मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट इस टनल के बारे में किसी को पता ही नहीं था क्या कोई ऐसी टनल भी एग्जिस्ट कर सकती है। चार बंदों ने मिलकर खोदा था, कोई मजदूर वजदूर भी नहीं था इसके अंदर। ऐसे कहा है कि इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ कि कौन वो हो सकता है जो ये गद्दार है, उसने मतलब हमारे पे हमला करवाया है। और हमने ये भी कहा था कि भाई हमारे से ज़्यादा क्लोज तो वो लोग हैं तुम्हारे, लेकिन उसने कहा कि वो मैं मतलब उन्हें बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर की तरह मानूँ, तो मैं किसी पे भी शक करना उनमें से मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन तुम्हारे लिए भाई वो बिल्कुल नए बंदे हैं, तो तुम बिल्कुल फेयर डिसीजन लोगे। तो देखते हैं क्या किसने करवाया इन पर हमला। खैर अभी तो चल के कल को असैसिन्स क्रीड का ब्यूरो सेटअप करवाएंगे, और जो मतलब हिडन वंस ब्यूरो है वहाँ से फिर हाईतम और बेसिन हमारी मदद करेंगे, जो टेरिटरीज़ के साथ में अलायंस हैं वो बनाने में, और जितने भी खजाने वगैरह हैं उन सबको लूटने लाटने में। खैर आज की वीडियो में बस इतने मजा आए, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो में।